फॉल्ट इन आर्क वेल्डिंग इन MMAW। इसमें दो तरह का इसमें आपका ये आएंगे, फॉल्ट्स आएंगे। एक जो है बाहरी फॉल्ट्स जिसे एक्सटर्नल फॉल्ट्स कहते हैं, और एक जो है अंदरूनी फॉल्ट्स जिसे इंटरनल कहते हैं, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं वो एक्सटर्नल फॉल्ट्स है। तो आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, फॉल्ट्स आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट्स एक्सटर्नल डिफेक्ट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये डिफेक्ट्स ना आए। तो ये अच्छा वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक अच्छा वेल्डिंग करने के लिए हमें मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इसमें जो चाहिए, बहुत ही दो चार पॉइंट्स जो है जरूरी है जानना। ये जो है यूनिफॉर्मली रिपल्ड सरफेस ऑफ द वेल्ड, वेल्ड के ऊपर जो आपका रिपल आएंगे वो एक जो है नियमित रहे, अनियमित रिपल्स ना आए, और इवन कंटूर ऑफ द वेल्ड, एक समान कंटूर आना चाहिए, बली रेखाएं आनी चाहिए, असमान नहीं आनी चाहिए, और इवन विड्थ ऑफ द वेल्ड, वेल्ड की चौड़ाई जो है दोनों छोर से बराबर रहे, और गुड पेनिट्रेशन ऑफ द वेल्ड, पेनिट्रेशन सही आना चाहिए, और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स। तो आपका एक्सटर्नल जो डिफेक्ट्स है वो फ्री होना चाहिए। तो आपका फॉल्ट्स जो है, फॉल्ट्स दिख रहा है कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स और इंटरनल डिफेक्ट्स। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के ऊपर। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, मोटे तौर पे ये जानना जरूरी है, बिना जाने आपको समझ में नहीं आएगा डिफेक्ट्स क्या हो रहा है। इसीलिए इसका दो तरह से हम डिफेक्ट्स के ऊपर निरीक्षण कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल करने के दौरान और दूसरा प्रैक्टिकल करने से पहले। तो आज जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रैक्टिकल करने से पहले, हम लोग कुछ काम कर चुके होते हैं, जॉइंट्स पे जा चुके होते हैं, और इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं एक्सटर्नल में, इसके ऊपर आप पहले जानकारी करिए फिर इसमें चर्चा करेंगे। तो ये पहला है अंडरकट, ये आ सकते हैं, क्या है फिर हम देखेंगे इसके बाद में। ओवरलैप ये एक दोष है, ये भी हो सकते हैं। पोरोसिटी, स्कैटर, एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ ये हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, क्रेटर, एक्सेसिव पेनिट्रेशन ये हो सकते हैं। तो अभी ये आठ जो आपका समस्याएं हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए, जब तक आप वेल्डिंग करेंगे इन समस्याओं से मुखातिब होते रहेंगे। तो ये इसके ये अगर आप अवॉइड कर जाएंगे तो आपका वेल्डिंग का समस्या कभी दूर नहीं होगा। इसीलिए इन समस्याओं को आप समझे कि ये हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। जैसे आप तैयारी करते हैं नेशनल डिजास्टर में, कभी आपका आंधी आए तूफान आए तो आपको सूचित कर दिया जाता है कि आप फिर उसके लिए प्रस्तुति लेते हैं। इसी प्रकार जब आप वेल्डिंग करेंगे तो आपको ये सूचना दिया जा रहा है कि ये सब गलतियाँ हो सकता है। अभी तो आपको ये दिखा रहे हैं, अभी एक एक करके इसको हम लोग जानेंगे, और ये क्यों होता है, क्यों होता ये भी जानना जरूरी है, और इसका निवारण क्या है। तो अभी जो है हम लोग पहले चलेंगे अंडरकट। तो पहले आप इसको देखें चित्र में, देखने से आपको पता चलेगा कि अंडरकट आप देखिए, और पहले इसका आप चलिए परिभाषा में, अंडरकट किसे कहते हैं। परिभाषा, ये ग्रूव और चैनल फॉर्म्ड इन द पैरेंट मेटल एट द टो ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड अंडरकट। तो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है कि ये टो और ये दोनों छोर को ये टो कहते हैं। टो में अगर एक चैनल जैसे कट जाए तो उसे जो है आप अंडरकट कहेंगे। वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग के बाद अगर एक दोनों छोर में या किसी एक तरफ में वेल्ड ना होके अगर कटा हुआ हिस्सा दिखे, मेटल कट गया है, तो उसे अंडरकट कहते हैं। यहाँ दिखाया गया है, एक तो है आपका ये सिंगल वी बट जॉइंट में एक दिखा रहे, रूट रन करते वक्त आपका अंडरकट आया,
और एक अंडरकट दिखा रहा है, पूरे रन बना दिए उसमें आया। अब मुख्य विभाग में दिखा रहा है कि ये नीचे की हिस्सा जो है कट चुका है और ऊपर में दोनों हिस्से में अंडरकट आया है। तो अब जो है इसका कारण क्या है, अंडरकट आने का कारण क्या है? तो इसमें करंट का अधिक होना ये भी एक कारण है, और वेल्डिंग स्पीड आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़्यादातर ये आपका वीविंग मोड में अंडरकट आने का संभावना रहता है। तो वेल्डिंग का जो आपका स्पीड ज़्यादा है, ये किस तरह से है कि आप वीविंग करते वक्त आप जो है जल्दी जल्दी कर जाते हैं। तो जल्दी जल्दी जब करेंगे तब क्या होगा कि आर्क के साथ साथ जो है इलेक्ट्रोड का जो मेटल ग्लोब्यूल्स के आकार में पिघल के वेल्ड एरिया में जमते हैं। तो ये विज्ञान है। तो अब जो है आप जब मोशन दे रहे हैं इलेक्ट्रोड को, तब क्या हो रहा है कि आर्क पहले पहुंच जाते हैं, फिर बेस मेटल पिघलता है, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोड का आर्क के मध्य से ग्लोब्यूल्स वहां जमते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि आप जब वीविंग देते हैं तब दोनों तरफ जब चलते हैं तो आप जल्दी से मूव करके चले आते हैं एक तरफ, फिर दूसरे तरफ से फिर एक तरफ जल्दी मूव कर जाते हैं, तो आर्क पहुंच जाता है लेकिन ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तभी जो है उस जगह जो है आर्क का पिघल देना और उसमें डिपॉजिट ना होना, ये एक वजह है अंडरकट का एक वजह है। फिर देखिए जो है ओवर हीटिंग ऑफ द जॉब ड्यू टू कंटिन्यूस वेल्डिंग, तो ओवर हीट होना ये भी एक वजह है। गर्म हो गया है, गर्म आप जब कोई 10 mm का जॉब बना रहे हैं ITIs में या कंपनी में, तो आप क्या करते हैं कि रूट रन देने के बाद आप साफ किए फिर आप तुरंत मारना चालू किए, आपको प्रेशर है काम करना है, ऐसे करके फिर आप फाइनल रन भी तुरंत मार देते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल गर्म रहता है, उसमें भी अंडरकट आने का संभावना होता है। तो रन किए उसके बाद उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप होना चाहिए दूसरे रन में, तो ये समस्या नहीं आएगी। एक्सेसिव आर्क लेंथ अधिक होना, इसको आप समझिए। आर्क लेंथ जब आप मूव करते हैं, जब आप वीविंग दे रहे होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोड जो है पिघल रहा होता है, तो ये जब दोनों छोर में पहुंचते हैं, वेल्डिंग का दोनों छोर जो आपको दिखाई दे रहा है, वेल्डिंग का दोनों छोर में जब आप पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपका संभावना होता है आर्क लेंथ बढ़ने की संभावना रहता है। यहाँ जब आर्क लेंथ बढ़ जाएगा तो वहाँ हीट बढ़ जाएगा, इसके कारण से भी आपका ये हो सकता है। फिर जो है आपका फॉल्टी इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, तो इलेक्ट्रोड का जो चालाना है वो आप गलत कर दिए तो भी हो सकता है, इसके बारे में बताएं। रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होना, इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होना मतलब क्या है, आप मेरा कलम को देखिए, इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होना, आप इलेक्ट्रोड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड कैसे मूव कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होना, इलेक्ट्रोड को आप जो है मूव कर रहे हैं, देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे पैरेलली मूव होना चाहिए। अब होता क्या है देख लीजिए गौर से, हम इसको दिखा रहे हैं, आपको तुरंत सुधर जाएंगे। आप क्या करते हैं जब वीविंग करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिए फिर ऐसे लिए, ऐसे लिए ऐसे लिए, तो ये जो आप मूव कर रहे हैं ऐसे, तो यह आर्क लेंथ बढ़ेगा ऑटोमेटिक, इधर चलेगा इधर ही बढ़ेगा। आप पैरेलल मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोड का एंगल बराबर रहेगा दाहिने और बाएं। अगर आप इसको ऐसे कर दिए तो आपके इलेक्ट्रोड का एंगल में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका नहीं हो सकता। तो ये चीज जो है आपको सुधरना पड़ेगा स्किल से, राइट। अब आते हैं एक्सेसिव वीविंग जो है आप अगर जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो भी अंडरकट आएंगे। अब इसका जो है समाधान की ओर चले, ये आपका कारण हो गए। कारण ध्यान में रखिए, जो आप करते हैं जिसमें आपका स्किल का गलती है या तो आपका जानकारी का अभाव है
ये दोनों मिला के आपका कारण बने। अब इसका जो है निवारण क्या है, तो इसमें निवारण देखिए, नंबर एक प्रॉपर करंट, करंट आपका सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर करंट। उसके बाद करेक्ट वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग स्पीड जो है आपका बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। वेल्डिंग स्पीड एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट जो है स्किल है, वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड को आप कैसे मानते हैं, इसको आप कैसे मानते हैं, तो इस फॉल्ट्स के निवारण के दौरान हम लोग बहुत सारे स्किलों पे चर्चा करेंगे ताकि ये फॉल्ट्स ना आए। तो वेल्डिंग स्किल आप वेल्डिंग स्पीड को आप कैसे मानेंगे कि आप सीधे जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है वीविंग करते चले गए और खुद जो है खींचते चले गए, राइट ना? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि आपका जो स्तर है, वेल्ड का जो डिपोजिशन रेट है, उसके हिसाब से आप जो है मूव करते जाएंगे, उसके हिसाब से मूव करते जाएंगे। कैसे कि आपका जो वेल्ड एरिया वेल्डिंग होता जाएगा, इलेक्ट्रोड पिघलता जाएगा, वीविंग होता जाएगा, फिर मूव करते जाएंगे। आप अपने से हाथ से वेल्ड इलेक्ट्रोड को खींचेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, इसको समझिए, खींचेंगे नहीं, तो तब जाके आपका करेक्ट वेल्डिंग स्पीड होगा। अगर आप अपने से गति देना चाहेंगे तो फिर आपका जो है असमान गति प्राप्त होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये आपको सुधारना पड़ेगा। करेक्ट आर्क लेंथ, तो करेक्ट आर्क लेंथ जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। आप ज़्यादातर जो है नॉर्मल आर्क और शॉर्ट आर्क में काम करते हैं, दोनों अवस्था में, किसी भी एक अवस्था में काम कर रहे हैं तो उस आर्क लेंथ को बनाए रखें। तो आर्क लेंथ को बनाने का आपके पास बहुत ही सहज किया गया है कि इलेक्ट्रोड होल्डर में एंगल दे दिया गया, उस एंगल में आपने 90 डिग्री में लगाए तो आप उसमें आर्क के साथ इलेक्ट्रोड का जो दूरी है जॉब के साथ आप बनाए रखे। किसके हिसाब से बनाए रखे? लेंथ के हिसाब से। कैसे करेंगे? तो जैसे आप 90 डिग्री किए तो आर्क आपका जल रहा है और आर्क का साउंड के आधार पर आप आर्क लेंथ का बढ़ना घटना आप समझ जाएंगे। आर्क का साउंड स्टेडी साउंड रहेगा तब आपका आर्क जो है शॉर्ट है, और आर्क में एक क्रैकिंग साउंड आते रहेगा यूनिफॉर्म, दोनों ही अवस्था यूनिफॉर्म है तो आपका आर्क नॉर्मल लेंथ माना जाता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर करेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एंगल आप सही करें। इलेक्ट्रोड का करेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो आपका रेमेडीज में बताया जा रहा है अंडरकट के लिए, तो इलेक्ट्रोड का एंगल, एक तो आपने इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा दिए, इलेक्ट्रोड का एंगल आपका वहां पर फिक्स हो गया। इलेक्ट्रोड का होल्डर में लगाने के बाद, जब आप होल्डर में लगाए हैं तो होल्डर में लगाए आप आपने होल्डर में जब इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो होल्डर में आपने इलेक्ट्रोड लगाए, मेरा हाथ को होल्डर मानिए, आपने इलेक्ट्रोड लगाए, तो ये जो है ये आपका 120 डिग्री में लगाए हैं, मेरा हाथ होल्डर है, इसमें आपने पेन जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है, ये 120 डिग्री है, तो यहाँ पर जो है आपका स्वाभाविक है 60 डिग्री बना हुआ है 60 डिग्री वेल्ड लाइन के साथ 60 डिग्री बना हुआ है। ये दोनों समानांतर रेखाओं के जो दोनों विपरीत दिशाओं में जो कोण बनते हैं उसका समष्टि 180 डिग्री, तो 120 डिग्री कटा हुआ है, फिर आपका 60 डिग्री बना हुआ है, तो आपको ये टेंशन नहीं है। अब क्या है, अब जो है ये इलेक्ट्रोड का एंगल जो है आप चाहे तो इसमें वेरिएशन हो सकता है। कैसे? आप चाहे तो वेरिएशन हो सकता है। नंबर एक, आप अगर अपने हाथ की कलाई को तोड़ दिए तो आप देखिएगा प्रैक्टिकल करके, तो आपका यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएंगे। एक दूसरा, वीविंग करने के दौरान आप अगर कलाइयों का उपयोग से वीविंग करेंगे, कलाइयों का उपयोग से, तो भी आपका इलेक्ट्रोड का एंगल में परिवर्तन हो सकता है। तो दोनों ही अवस्था, जब आप कलाई ना तोड़ें
जब सीधी आप आ रहे हैं या आप अपने से आगे की ओर जा रहे हैं या अपने से पीछे की ओर आ रहे हैं, तो कलाई का रिस्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो है, जब आप इसको साइड वाइज मोशन दे रहे हैं तो रिस्ट को घुमाए ना, बाजुओं को मोशन दे, पूरे बाजू आपका मूव करना चाहिए, तब जाके आपका ये करेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे। नंबर 5 है करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मैनिपुलेशन अगर आपको बता ही दिए हैं कि इसमें मैनिपुलेशन आपको सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, और अवॉइड द यूज ऑफ डैम्प इलेक्ट्रोड। आप अगर डैम्प इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए तो आपका ये दोष आ सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग बारिश इलाके में जब आप काम करते हैं तो डैम्प, नॉर्थ ईस्ट में जब काम किए या आप हिल्स हिमालयन रेंज में काम कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड डैम्प होने का खतरा रहता है। तो इसमें क्या है कि अब बारिश के मौसम में तो इलेक्ट्रोड को आप डैम्प फ्री करें, इलेक्ट्रोड को ओवन में डालें, और इलेक्ट्रोड का पैकेट्स के ऊपर आपका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि कौन से इलेक्ट्रोड को कितना टाइम और कितना डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करना है उसको मॉइस्चर फ्री करने के लिए। उस इंस्ट्रक्शन का पालन करें और आप बेक फ्री करें, इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन में डाल के मॉइस्चर फ्री कर लें। तो ये हो गया आपका अंडरकाट का कॉजेज और इसका जो है आपका समाधान। नेक्स्ट आते हैं ओवरलैप। तो ओवरलैप आप पहले इसका परिभाषा समझे, फिर चित्र में जानेंगे। ओवरलैप क्या है कि व्हेन द मोल्टन मेटल फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोड फ्लोज ओवर द पैरेंट मेटल सरफेस विदाउट फ्यूजिंग इनटू इट, देन इट इज कॉल्ड ओवरलैप। जब इलेक्ट्रोड का पिघला हुआ धातु पैरेंट मेटल वेल्ड मेटल के ऊपर बिना पिघले या बिना फ्यूज हुए ऊपर जम जाते हैं तब उसे हम ओवरलैप कहते हैं। जैसे आपको चित्र में दिख भी रहा है, चित्र में सेक्शनल व्यू दिखाए हैं कि वेल्ड एरिया ये जो दिखाए हैं कि ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है कि यहाँ पर तक ही आपका फ्यूज होना है। अब क्या हुआ कि फिलर मेटल क्या हुआ कि इसके ऊपर से ये लैपिंग आ गए हैं, एरो मार्क करके दिखाए गए ओवरलैप। फिर इधर दिखे आप सिंगल वी में देखे ये भी बाहर निकल गए हैं, ये ओवरलैप हो रहा है। ये आपका निचले हिस्से हैं, यहाँ पर आपको दिखा गया कि अतिरिक्त धातु जो पिघल के बाहर की ओर आ गया जो कि आपका जमा नहीं, और ऊपरी हिस्से में यहाँ भी ओवरलैप में यहाँ भी आपका बाहर आ चुका है। इस तरह से एक और जो है व्यू दिखाए नीचे में आपके, एक तरफ तो सही है, किस तरफ आपका बाई और जो है सही दिख रहा है, बट ये दाहिनी और जो है ओवरलैप, ये देखिए ये जो है ओवरलैप हो चुका है। तो ये साफ दिखता है कि अतिरिक्त धातुएं जब बिना जमे बिना फ्यूज किए मेटल के ऊपर ऐसे जो है जम जाएंगे तो उसे ओवरलैप कहेंगे। तो कारण क्या है इसके, लो करंट लो होना, स्लो आर्क ट्रेवल स्पीड स्लो होना, लॉन्ग आर्क की लंबाई होना। आर्क लंबा रहेगा तो क्या होगा कि फिलर मेटल पिघलेगा बट बेस मेटल पिघलने में सहायक नहीं होगा लॉन्ग आर्क में, तो उस अवस्था में हो सकता है। टू लार्ज ए डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड का डायमीटर का अधिक होना तब ये हो सकता है। और इनकरेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड का एंगल गलत हो तब भी ये हो सकता है, तो होना नहीं चाहिए। इसका निदान कैसे करें, समाधान कैसे करें? नंबर 1 रेमिडीज, करेक्ट करंट सेटिंग सही कर ले, करेक्ट आर्क ट्रेवल स्पीड जो आपने अंडरकट में किए थे यहाँ भी आर्क ट्रेवल स्पीड सही करें, और करेक्ट आर्क लेंथ को सही करें, करेक्ट डायमीटर इलेक्ट्रोड एज पर मेटल थिकनेस के आधार पर इलेक्ट्रोड का चयन करें। तो कैसे मेटल थिकनेस के आधार पर इलेक्ट्रोड का चयन कैसे करें, आप अगर 10 mm मेटल के ऊपर आप जॉइंट बनाना चाहते हैं सिंगल वी बट जॉइंट, और आपको वहां पर 3 जो है रन होंगे, फर्स्ट रन, रूट रन, सेकेंड रन एंड थर्ड कवर रन, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोड का चयन होना जरूरी है। कैसे इलेक्ट्रोड का करेक्ट डायमीटर कैसे,
तो ये आप देखिए, जब आप रूट रन करेंगे वहां पर आपको 3.15 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर वहां पर आपने 4 mm इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किए, कार्य तो होगा लेकिन उसके साथ साथ अधिक मेटल डिपोजिशन की संभावना रह जाएगा। या तो आप अगर 2.5 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किए तो मेटल डिपोजिशन नहीं होके सिर्फ जो है होल्स होके रह जाएंगे। इसीलिए ये जो है पैरामीटर बना होता है उसका पालन अवश्य करें। इसके बाद अगर आप कवर रन कर रहे हैं उस समय भी आपको 4 mm इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका ठीक से आपका फ्यूजन हो और डिपोजिशन हो। तो ये है करेक्ट डायमीटर इलेक्ट्रोड का प्रयोग है मेटल थिकनेस के आधार पर प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मैनिपुलेशन आपको सही करना पड़ेगा और होल्डिंग द इलेक्ट्रोड एट करेक्ट एंगल। तो ये जो है करेक्ट एंगल में आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रोड का एंगल कैसे सही करना है, तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रोड का एंगल सही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी आप किसे कहेंगे, परिभाषा क्या है? ब्लो होल्स और गैस पॉकेट्स और ग्रुप ऑफ फाइन होल्स। ब्लो होल्स और गैस पॉकेट ग्रुप ऑफ फाइन होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वेल्ड कॉज्ड बाय गैस एंट्रैपमेंट इज कॉल्ड पोरोसिटी और सरफेस पोरोसिटी। मतलब अगर छोटे छोटे छेद, बहुत ही छेदों की समष्टि अगर आपको बीड के ऊपर आ जाए वेल्डिंग के दौरान, तो उस जो छिद्र के समष्टियों को आप पोरोसिटी कहते हैं। तो ये क्या है कि इसके अंदर में वेल्डिंग के दौरान मेटल्स के अंदर में गैस जो है फंस जाते हैं और वेल्डिंग जब आपका पिघलना बंद हो पिघल जाते हैं और जमना चालू होता है तो गैस वहां से निकलते हैं, वो प्रभाव आपको पोरोसिटी के रूप में दिखता है। ये भी एक वेल्डिंग का दोष है। आपको चित्र में दिख रहा है कि पोरोसिटी आया हुआ है बीड में, काफी सारे छेद आपको दिख रहे होंगे, ये छेद हैं बहुत सारे। तो इसीलिए ये अगर एयर पॉकेट एक सिंगल हो तो वो जो है ब्लो होल्स कहते हैं, अगर बहुत सारे समस्ती हो तो उसे पोरोसिटी कहेंगे। तो पोरोसिटी का परिभाषा हो गया। अब इसका कारण क्यों होते हैं पोरोसिटी, तो इसमें नंबर वन है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टामिनेंट्स ऑन द जॉब और इलेक्ट्रोड सरफेस। तो जॉब में अगर गंदगी लगा हो, जंग लगा हो, तेल लगा हो, धूल लगा हो या किसी प्रकार का गंदगी लगा हो जॉब में, या तो आपका इलेक्ट्रोड में गंदगी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोड में गंदगी क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोड को पिघालने में सहायक नहीं है, या तो इलेक्ट्रोड को वहां पर आयनाइज होने में सहायक नहीं है, तो क्या हो सकता है इलेक्ट्रोड में गंदगी। इलेक्ट्रोड तो फ्लक्स लगा हुआ है तो फ्लक्स है बराबर, इलेक्ट्रोड मेटल है, फिलर मेटल है बराबर, लेकिन उसमें आपका मॉइस्चर जम सकते हैं। फ्लक्स जो क्षमता है, मॉइस्चर खींचने की क्षमता है, नमी उसका एक गंदगी हो सकते हैं। और तीसरा है ट्रैप्ड मॉइस्चर बिटवीन ज्वाइनिंग सरफेस के बीच में जो है नमी का फंस जाना तो हो सकता है। फास्ट फ्रीजिंग ऑफ द वेल्ड मेटल जल्दी जमना, इसके भी एक कारण है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द एजेस, जो आप किनारे को जिसको जोड़ रहे हैं उसका सही तरीके से सफाई नहीं करना, ये कारण है। अब जो है ये नहीं होना चाहिए, इसका निवारण क्या है, कि रिमूव ऑयल, ग्रीस, रस्ट, पेंट, मॉइस्चर एक्सेट्रा फ्रॉम द सरफेस। आप वेल्डिंग सरफेस के ऊपर से वो सारे जो है गंदगी को उठाए। जब ये कब आते हैं आपके पास, ये तेल, ग्रीस, जंग, ये मॉइस्चर कब आते हैं, ये ज्यादातर देखा गया है अगर आप प्रोडक्टिव जॉब कर रहे हैं वेल्डिंग का, वहां पर तो आपको मशीनिंग होके आते हैं, ज्यादातर क्लीनिंग सरफेस ये आते हैं। अगर आप मरम्मत का कार्य कर रहे हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो आप उसके जो जब आप जोड़ेंगे तो वहां पर आपको इस तरह का सतह मिलेगा, तो उसको पहले साफ कर ले फिर उसमें आप जोड़ बनाए, तो पोरोसिटी से बच सकते हैं। यूज फ्रेश एंड ड्राइड इलेक्ट्रोड्स।
आप इलेक्ट्रोड जो है देख लीजिए कि इसको आप सूखा है कि नहीं है और एकदम साफ है कि नहीं है। पुराना इलेक्ट्रोड मतलब बहुत पुराना है, रखा हुआ है स्टोर में, ला के काम करते हैं तो आपको पोरोसिटी आ सकता है। तो और यूज गुड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स, आप जो है गुड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स मीन्स क्या है, यूज गुड फ्लक्स कोटेड, फ्लक्स तो कंपनी में लगे हुए आएंगे तो ये अच्छा होना चाहिए। फ्लक्स जो है आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका फ्लक्स जो है फ्लक्स का क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, फ्लक्स बिल्कुल बढ़िया से लगा होना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग आर्क्स, लॉन्ग आर्क्स को आप हमेशा अवॉइड करें। तो ये स्किल है जो लॉन्ग आर्क को अवॉइड करना, एक आपका निपुणता को बढ़ाए तो आपका लॉन्ग आर्क अवॉइड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पैटर। तो स्पैटर क्या है, परिभाषा क्या है, स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग अलोंग द वेल्ड इज कॉल्ड स्पैटर। तो ये परिभाषा है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहां से आपका जो छोटे छोटे धातुओं के ग्लोब्यूल्स है, ये अगर वेल्डिंग सतह के इधर उधर बहुत ही आयत के मात्रा में लग जाए और उसे हम स्पैटर कहते हैं। तो ये क्यों होते, क्यों है स्पैटर, ये भी एक दोष है। तो आप देखे होंगे कि जब आप इसको हमने बड़ा अच्छा से प्रयोग किया अपने से, कि जब हम देखें कि बाल्टी में हम पानी भरते हैं तो उसका आपका नल में भी आते हैं ये चीज, कि नल से जब पानी आपका बेसिन में गिरते हैं वॉश बेसिन में, तब देखिए कि नॉर्मल अगर नल है तो उसमें गिरते हैं तो उसमें पानी फिर वहाँ से फिर स्प्रेड करते हैं इधर उधर, और एक ऐसा नल है जिससे अगर पानी गिरे तो स्प्रेड नहीं करते। आप देखे होंगे, मैं ये फॉलो करता हूँ क्योंकि ये आपका लिक्विडिटी का साइंस है। तो ये इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बहुत ये जो आपका आर्क में जो फोर्सेस हैं, जो आर्क जलने के बाद जो फोर्स हैं वो जब इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये जो लिक्विड्स है ग्लोब्यूल्स है फिलर मेटल का, ये क्या होते हैं कि बेस मेटल के ऊपर जाके जमने लगते हैं। उस दौरान क्या है, यहाँ से फिर आप वहाँ से आपका जो है ग्लोब्यूल्स जो है छिटक के बाहर आने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक चीज है, आएगा ही, लेकिन ये इसको कम करना है। ये कैसे आते हैं पहले ये जानिए, कैसे आते हैं और इसको कम कैसे करेंगे। तो वेल्डिंग करंट इज टू हाई, अगर करंट अधिक हो तो आपका ये स्थिति होगा। और यूज ऑफ लॉन्ग आर्क, अगर आप लंबा आर्क का इस्तेमाल करते हैं तो होगा। यूज ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी, डीसी में अगर पोलैरिटी का गलत इस्तेमाल किए, पोलैरिटी छोटा सा बता देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। पोलैरिटी क्या है, स्ट्रेट है और रिवर्स है। तो आप अगर इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोल से लगाते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर्स को, तो वहाँ पर आपका स्ट्रेट पोलैरिटी आएंगे। इलेक्ट्रोड होल्डर को अगर आप पॉजिटिव पोल से लगाते हैं तो रिवर्स पोलैरिटी आएंगे। तो ये जो है कार्य के दौरान आप इसको चेंज करते हैं तो इसमें अगर गलती हो जाए तो आपका ये स्पैटर आ सकते हैं। आर्क ब्लो, ये आर्क ब्लो के वजह से भी आते हैं। डीसी वेल्डिंग का एक इंसिडेंस है जिसमें घटता है आर्क ब्लो, आपको इसका क्लासेस पहले कराया गया है। तो ये आर्क ब्लो होने से भी आपका स्पैटर आने की संभावना है। अनइवन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ये अनइवन फ्लक्स कोटेड मतलब फ्लक्स का कोटिंग अगर उसमें गड़बड़ी है, तो फ्लक्स कोटिंग जब होते हैं ये इसमें अगर कहीं छूट जाते हैं, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया ज़्यादातर फ्लक्स जो है आपका कोटिंग ही रहते हैं। अनइवन मतलब असमान जो है उसमें स्थिति नहीं रहता, लेकिन टूटने के टूट सकते हैं, छूट सकते हैं, तो उस अवस्था में आपका स्वेटर आ सकता है। यूज ऑफ डैम्प इलेक्ट्रोड, डैम्प इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका स्पैटर आने का संभावना है। तो ये स्पैटर जो है आपका कैसे कम हो या ना आए, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यूज करेक्ट करंट, करंट का इस्तेमाल सही करें। तो यहाँ पर थोड़ा बताना चाहते हैं कि यूज करेक्ट करंट, तो आपने करंट का इस्तेमाल सही करना है कि आप खुद चयन करना है, करंट का खुद चयन करना है। आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, कंपनी में बता दिया गया कि आपको 150 एम्पियर में काम करना है, आपने 150 एम्पियर सेट किया। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग यही बताते हैं
कि 150 एम्पियर सेट करने के बाद बीड का स्थिति और उसके इर्द गिर्द जो है प्रभाव वो कैसा है, तो आप जॉब को जांच कर लें, तब जाके आप करंट जो है 150 एम्पियर आपका सही बैठा है कि नहीं बैठा है, तो आप तभी आपको वो जॉब के ऊपर चल सकता है। नहीं तो क्या होगा कि आप जो है करंट अगर सेट नहीं किए, गलत अवस्था में काम किए, तो आपको बहुत अधिक स्पैटर इधर उधर हो जाएंगे। और यूज करेक्ट आर्क लेंथ, ये एक स्किल है, आर्क लेंथ को सही रखना, ये आप ट्रेनिंग के दौरान या कंपनी में कार्य करते करते ये स्किल आपका विकास होता है। तो जब तक आप काम करेंगे ये आपका डेवलप होता रहेगा। इसमें नॉर्मली 2 से 3 साल लग जाते हैं काम करते करते, ये ट्रेनीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से किस तरह का कार्य कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, इस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो यूज ऑफ करेक्ट आर्क लेंथ ये करना एक स्किल है। यूज करेक्ट पोलैरिटी, तो पोलैरिटी आपका देखिएगा इलेक्ट्रोड पैकेट्स के ऊपर आपका पोलैरिटी सिग्निफाई किया रहता है कि कौन से पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को लगना है। इसमें लिखा रहता है आपका इलेक्ट्रोड पैकेट के ऊपर DCEN और DCEP, ध्यान दीजिएगा। तो DCEN मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल के साथ लगे रहेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोड है, और DCEP जिस इलेक्ट्रोड पैकेट्स में लिखा है प्रेफर फॉर DCEP इन DC वेल्डिंग, AC के लिए नहीं, तो वो जो है आपको DCEP मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल में लगा होना चाहिए। तो ये आपको खुद तय नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, तब जाके आपको सिर्फ रीड करना है और वहां पर आपको पोलैरिटी चेंज करना है, ये करना पड़ेगा। यूज ऑफ गुड फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यहाँ भी आपका गुड फ्लक्स कोट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखें, एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ, पहले इसका परिभाषा देखिए कि एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ इन लैप एंड कॉर्नर जॉइंट्स ओनली, आपको दिखाया गया यहाँ पर चित्र भी दिखाया जा रहा है, कॉर्नर जॉइंट का चित्र है जहां पर जो है किनारे का पिघलना को दिखाया गया है, कॉर्नर मेल्टेड अवे, अंडरकट पैरेलल टू द मेंबर सरफेस। तो ये कंडीशन विल हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन द सर्विसेबिलिटी ऑफ द वेल्ड इफ द वेल्ड साइज इज स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर जो है आपका एज पिघल गया है, दिखाया जा रहा है कि ये मेल्ट हो गया है, तो ये एज मेल्टेड ऑफ भी ये एक आपका दोष है। तो ये आप जानिए, जब आप कॉर्नर जॉइंट बनाएंगे या लैप जॉइंट बनाएंगे उसमें जो है किनारे बने रहते हैं, राइट, उसकी आपको एज पर वेल्डिंग नॉर्म्स के आधार पर वो किनारा लेकिन पिघलना नहीं चाहिए। लेकिन ये आप जानिए, एक्चुअल किनारा पिघलना नहीं चाहिए, किनारा अगर पिघल गया तो वो जो है वेल्डिंग नॉर्म्स के अपोजिट माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको दोष में रखा गया है कि एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ एक फॉल्ट है, आर्क वेल्डिंग का फॉल्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसी के लिए ये प्रशिक्षण लेते हैं हम लोग। तो ये इसका कारण देखिए, यूज ऑफ ओवर साइज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का साइज जो है अधिक होना, यूज ऑफ ओवर साइज इलेक्ट्रोड, यूज ऑफ एक्सेसिव करंट, करंट ज्यादा सेट कर देना, रॉन्ग मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड को चलाना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है जिसके वजह से अधिकतर ये एज जो है पिघल जाते हैं। अभी इसका निवारण क्या है, क्या निवारण हो सकते हैं, तो निवारण है कि सिलेक्ट करेक्ट साइज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का साइज सही होना चाहिए, सेट करेक्ट करंट जो है सही सेट कर दें, और एनश्योर करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो पहले जो दो आप रेमेडीज देख रहे हैं, ये सब बहुत सारा रेमेडीज आ रहे हैं निवारण कैसे, पहले सिलेक्ट करेक्ट साइज इलेक्ट्रोड, ये लेकिन कोई स्किल नहीं है, सेट करेक्ट करंट ये भी स्किल नहीं है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन एनश्योर करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ये स्किल की बात है। तो आप दो निर्धारित कर लेते हैं,
आपका एक तो इलेक्ट्रोड साइज, दूसरा इलेक्ट्रोड का करंट सेट कर लेते हैं, फिर आप उसको जो चलाते हैं तो चलाने का जो है उसमें डेवलप करना है। क्योंकि बच्चे अधिकतर आते हैं कहते हैं सर ये हो गया, फिर हमने तो करंट सेट सही करा, हमने तो सर ये आपका इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन भी सही करा, फिर ये क्यों हो रहे हैं, काफी डिबेटफुल हो जाते हैं। तो स्किल भी तो बढ़ाना है जिसके लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो कीप पेशेंस, धीरज बनाए रखे, आपका सुधार होना एकदम होना ही होना है, निश्चित है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रैक। देखिए क्रैक्स किसे कहते हैं, ए हेयरलाइन सेपरेशन एग्जिबिट इन द रूट और मिडिल और सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल और पेरेंट मेटल इज कॉल्ड क्रैक। एकदम आपका हेयर के बराबर लाइंस आते हैं, आपके जो हेयर है ऐसे ही एकदम पतला लाइंस आ जाएंगे वेल्ड बीट के ऊपर। किस तरह से आएंगे, आपका सीधे भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, क्रेटर के ऊपर आ सकते हैं। तो इफ ए क्रैक विजिबल इन द वेल्ड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस क्रैक, एंड इफ ए क्रैक लाइंग इन साइड द वेल्ड एंड नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड देन इट इज कॉल्ड इंटरनल क्रैक। तो क्रैक दो है आपका, जो आपको दिखेंगे बाहर से वो है आपका एक्सटर्नल क्रैक, और जो क्रैक अंदर आ जाएंगे आप दिखेंगे नहीं उसे कहेंगे इंटरनल क्रैक, जो कि इंटरनल फॉल्ट्स के तहत आते हैं। तो क्रैक्स के कारण क्या है, क्रैक्स के कारण है प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस। ये जो ट्रेस है, ये आप जॉब जब कोई भी धातु है वो ट्रेस होता है, आपको कास्ट आयरन हो या कॉपर हो, माइल्ड स्टील, सबका अलग अलग ट्रेस है। तो अगर वो ट्रेस रहे और ट्रेस को फ्री ना करें तो वो जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, धातु गर्म होते हैं और धातु में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, संकोचन होता है और क्या होता है, एक संकुचित होना और एक प्रसारित होना, संकोचन और प्रसारण होता है धातु का गर्म अवस्था में। इस अवस्था में अगर इसका इंटरनल मॉलिक्यूल्स का जो खिंचाव है, तो आप जब वेल्ड कर रहे हैं वो वेल्ड पुल या वेल्ड बीड जो है वो नरम अवस्था में रहते हैं और दोनों पेरेंट मेटल दोनों साइड सॉलिड अवस्था में है, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूलर जो गतिविधियां होते रहता है, और जब ये गतिविधि होगा और जब खिंचाव जब ये असमान हो जाएगा तब इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, जो कमजोर रहेगा उसके ऊपर। तो ये तो नरम अवस्था में है, ये तो अभी ठोस नहीं हुआ, तो फिर इसमें आपको क्रैक्स आने का संभावना है या क्रैक्स आ भी जाते हैं, ये कारण है। और उसके बाद फास्ट कूलिंग, अगर ये जल्दी ठंडा हो जाए तभी भी होता है। आप अगर देखा जाए कि फास्ट कूलिंग में अगर आपको ये कास्ट आयरन का इसमें देखेंगे, कास्ट आयरन को जब वेल्ड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लाइम डस्ट के अंदर डालते हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो, अगर जल्दी हो जाएगा तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये इसीलिए फास्ट कूलिंग ये भी कारण है। इम्प्रॉपर वेल्ड टेक्निक्स, आप सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किए, पुअर डक्टिलिटी, आपका डक्टिलिटी जो एक धातु का धर्म है वो अगर कमजोर हो, अगर वो खराब हो तो आपको ये आ सकता है। एब्सेंस ऑफ प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग ऑन हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का जब वेल्डिंग करेंगे तो उसमें वेल्डिंग से पहले गर्म किया जाता है और वेल्डिंग के बाद पोस्ट हीटिंग फर्नेस के अंदर रख दिया जाता है, टेम्परेचर एक निश्चित सुनिश्चित टेम्परेचर है उसके अंदर में रखा जाता है ताकि जॉब स्ट्रेस फ्री बने। तो ये अगर ना हो तो हो सकते हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, ये इससे आपको निपटारा करना ही पड़ेगा। अगर क्रैक्स आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका वेल्ड जो है बेकार हो जाते हैं, इसीलिए ये ना आए इसका भी कोशिश करना चाहिए। तो ना आए रिमेडीज क्या है कि प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग टू बी डन ऑन हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में जब वेल्ड करेंगे तो इसको जो है आप प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग, अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कटर से भी गर्म कर सकते हैं, ब्लोअर से भी गर्म कर सकते हैं, और इसमें देखा जाता है हम लोग क्या करते थे कंपनी में, एक
हीट इन चौक कलर इन कलर कलर जो है कंफर्म होकर चेंजेस चौक आते हैं, हीट कितना करें तो चौक का जो है कलर चेंज होता होता था तब हम लोग वेल्डिंग करते थे। कितना हीट करना है तो उसका एक टेम्परेचर जो देखने के लिए एक चौक आते हैं, उस चौक का कलर कर देते थे एक तरफ और फिर लोहे को गर्म कर रहे हैं। ये कलर चेंज जब हो जाता था तब हम उसमें काम करते थे, ये प्री हीटिंग की अवस्था में। फिर स्लो कूल स्लोली, अब ठंडा जो है इसको धीरे धीरे करना है। यूज फ्यूअर पासेस, आप जो है जो आप जितना उसमें रन करेंगे, जितना रन करेंगे मतलब आपका 10 mm का जॉब है, 10 mm का जॉब है। कौन सा जॉब है? सिंगल वी बट जॉइंट है। तो सिंगल वी बट जॉइंट 10 mm में अगर आप उसमें 2 रन में करेंगे, एक रूट रन कर दिया दूसरा रन में पूरा कर दिया, तो उसमें संभावना रहेगा क्रैक आ जाए। इसीलिए उसमें देखिए मल्टी आपको 3 रन करना पड़ेगा ताकि आपका धीरे धीरे मेटल डिपॉजिट हो, ट्रेस फ्री हो और क्रैक्स ना आए। तो इसीलिए ये फ्यूअर पासेस देना जरूरी है। यूज प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, हर एक जो है देखिए हर एक आपका वेल्डिंग फॉल्ट्स में वेल्डिंग टेक्निक को सुधारने का बात कहा गया है, तो वेल्डिंग टेक्निक जरूर सुधारें। तो इसके बाद देखिए यह है क्रेटर। तो क्रेटर आप चित्र में देख रहे हैं कि आपका अंत में जब आप वेल्डिंग शुरू कर रहे हैं और अंत में जाके एक आपका डिप्रेशन बनता है, एक गहरा डिप्रेशन बनता है, गड्ढा तो नहीं कहेंगे बट एक दबाव बनता है जिससे कि आपका थोड़ा सा आपका कॉनकेव रहता है, तो उसको क्रेटर कहेंगे। बट परिभाषा क्या है कि एक क्रेटर इज ए डिप्रेशन लेफ्ट इन द वेल्ड मेटल वेयर द आर्क इज ब्रोकन, जहां आर्क खत्म हो जाता है। तो ये क्रेटर विच इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड और एट द एंड ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड एन एंड क्रेटर। तो जहां एंड ऑफ द जॉइंट और एंड ऑफ द वेल्ड में अगर क्रेटर बने तो उसे जो है आप एंड क्रेटर कहेंगे। तो ये जो बनते हैं ये लेकिन आपका एक दोष है, तो ये नहीं बनना चाहिए। पहले हम लोगों को शुरुआती दौर में कैसे लगता था, जब हम लोग ट्रेनिंग किए वेल्डिंग में ITIs में जब भी आते थे तो तब हम लोगों को क्या लगता था, जब नए नए थे तब हम लोगों को लगता था नहीं ये सही है, ये होता है, हाँ ये एंडिंग पॉइंट है और शुरू में जहाँ जहाँ वो डिप्रेशन नहीं है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे लगता था। बट ये फॉल्ट जब हम स्टडी किए तब लगता नहीं ये दोष है, फिर इसका निवारण भी करना है। लेकिन इसका कारण क्या है देखिए, पहले पुअर स्टॉप ऑफ द आर्क, मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, पहले आपको कारण बता दें। पुअर स्टॉप ऑफ द आर्क, आर्क को आप जो जब आप बंद करते हैं तो उसमें आपका कमियां पाया गया, इनकरेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एंगल सही नहीं है, रॉन्ग स्पीड ऑफ ट्रेवल, टू हाई करंट, ये जो है कारण है। अब रेमेडीज बताते हैं, डू नॉट ब्रेक द आर्क एब्रप्टली, मतलब अचानक से आप तोड़ मत दीजिए आर्क को, होल्ड द इलेक्ट्रोड एट द एंड फॉर ए व्हाइल टू फिल द क्रेटर, आप जब अंत हो रहा है तो आप उसमें थोड़ी देर के लिए रुकिए, ओके। उसके बाद है यूज प्रॉपर एंगल फॉर द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एंगल सही कर ले, यूज करेक्ट वेल्डिंग स्पीड भी सही होना चाहिए, अंत में जब आते हैं तो एकदम जल्दी हो जाता है लेकिन नहीं, वहां भी आपको स्पीड सही रहना है। फॉर रीस्टार्टिंग एन इनकम्प्लीट वेल्ड, मेल्ट द लास्ट एंड ऑफ द डिपॉजिट कम्प्लीटली, और बोल रहा है कि फिर दोबारा स्टार्ट करिए, जहां खत्म कर दिए वहां दोबारा स्टार्ट करिए, तो आपका ये फिर ये बंद हो सकते हैं। और मैं आपको एक इसमें एक स्किल का आइडिया दूंगा क्रिएटर के लिए, क्योंकि ये आएंगे अगर आपका कंटिन्यूअस वेल्ड चल रहे हैं, आपका कंटिन्यूअस वेल्ड मतलब आपका वेल्ड जो है 1 मीटर का वेल्डिंग हो रहा है, तो आप तो लगातार नहीं करते हैं MMAW में, 1 मीटर का वेल्डिंग कर रहे हैं आप, फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, लैप ज्वाइंट कर रहे हैं 1 मीटर, तो आप क्या करेंगे, 450 mm का इलेक्ट्रोड है वो पहले शुरू किए जलाए फिर आ गए अंत में आ गए, ये हो गया, फिर आपने क्या करते फिर शुरू करना है, वहां पर क्या करना है आपको जो अंत हुआ वहां पर चिपिंग कर दीजिए, वहां चिपिंग करेंगे तो आपका वहां पर
ये डिप्रेशन देखेगा, फिर इस डिप्रेशन में आप क्या करें, इस डिप्रेशन से चालू करें बाहर से नहीं, तब आपका ये कभी नहीं भरेगा। एक नंबर वन। नंबर दो, जब आपका वो एक मीटर का वेल्डिंग खत्म होने को है, जहां आपका शुरुआत और नहीं होगा, एकदम एंड में आए, तो आप जब इलेक्ट्रोड वहां से जब लास्ट में आए तो आप क्या करते हैं, आप देखिएगा, आप क्या करते हैं, आप लास्ट में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं लास्ट में, ऐसे करके आप उठाते हैं, क्लियर। लेकिन आप क्या करें कि आप जब लास्ट में आए तो थोड़ा रिवर्स उठाए, जब आपका अंत हो रहा है तो ये जब आप इधर आए, जब आपका खत्म हो गया, आप यहां से ना उठा के आप रिवर्स उठा दीजिए, ये अपनाइए। रिवर्स उठा देने से आपका ये समस्या नहीं आएगा, बिल्कुल जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जैसा दिखेगा, ये जरूरी है, क्लियर। फिर क्या है नेक्स्ट, है एक्सेसिव पेनिट्रेशन। एक्सेसिव पेनिट्रेशन, एक्सेसिव पेनिट्रेशन क्या है, दिस रेफर्स टू द एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ द रूट एंड अनडिजरेबल हेवी पेनिट्रेशन एट द रूट। अगर रूट में अधिक से अधिक जो है आपका मेटल जम जाए, तो अगर आपका जो जितना चाहिए उससे अधिक, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, ये अधिक आ गया है, अधिक, जब अधिक जम जाए तो आपको ये जो है एक्सेसिव पेनिट्रेशन के तहत आएगा। तो ये जो है देखिए क्या होता है, इसमें रूट एंड अनडिजायरेबल हेवी पेनिट्रेशन एट द रूट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ द मीडियम थ्रू द ट्यूब और पाइप। तो ये अगर पाइप के अंदर इस तरह का आप वेल्ड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो पाइप के अंदर में अगर एक्सेसिव पेनिट्रेशन आ जाते हैं, तो उसके अंदर से जो तरल पदार्थ प्रवाह होता है या गैस प्रवाहित होता है, लिक्विड या गैस दोनों को वो रोकता है, उसका प्रेशर वेरी करता है, इसीलिए ये एक्सेसिव पेनिट्रेशन नहीं आना चाहिए। तो आपको इसमें एक्सेसिव पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पहले समझिए कि पेनिट्रेशन का बहुत तरह का आपको कंफ्यूजन है कि पेनिट्रेशन कब कहेंगे। तो पेनिट्रेशन देखिए क्या है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, प्रॉपर पेनिट्रेशन और एक्सेसिव पेनिट्रेशन, तीनों चीज जो है बराबर मापन किया हुआ है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या है कि अगर आपका लोअर एज जहां आप रूट रन कर रहे हैं, लो आपका दो एज होते हैं थिकनेस ऑफ मेटल के आधार पर, कितना भी थिकनेस हो उस मेटल का दो एज होंगे, चाहे 2 mm हो, 3 mm हो, 5 mm हो, 10 mm हो, उसका दो एज, एक ऊपर का एज और एक नीचे का, जहां आप पहला रन करते हैं। निचला किनारा दोनों ओर किसी भी ओर या दोनों ओर ना पिघले और वेल्ड हो जाए तो वो जो है लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहलाएगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, दोनों पिघल जाए बराबर और अधिक मात्रा में मेटल बाहर की ओर आ जाए तो उसे आप एक्सेसिव पेनिट्रेशन कहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों एज पिघल गया और मेटल जुड़ गया, आपको निचला एज दिख नहीं रहा है और दोनों मेटल जुड़ा हुआ है और प्रॉपर आपका वहां पर बैलेंस बना है, उसे आप कहेंगे प्रॉपर पेनिट्रेशन। तो ये जो है बहुत बड़ा डाउट रहता है ट्रेनिस के अंदर में, वेल्डर्स के अंदर में भी, कि ये कैसे कहें। तो ये हम लोग जब इसमें काम किए, इसमें इस तरह से हम लोग करते गए कि इसे लोअर एज को पिघाल देना है। तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक सीखने में काफी समय लगेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये टेक्निक आप, इसको भी आप हासिल कर लेंगे, इस कला को। तो ये हो गया आपका एक्सेसिव पेनिट्रेशन का कारण क्या है, कि ओवर हीट वेल्ड पूल और आपका इनकरेक्ट साइज एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इनकरेक्ट रूट गैप और रूट फेस और रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल, ये सारे हो सकते हैं। फिर जो है आपका इसमें रेमिडीज क्या है, निवारण कैसे करें, यूज ए लोअर करंट, करंट जो है आप प्रॉपर इस्तेमाल करें रूट रन के समय, इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेल्डिंग, वेल्ड स्पीड बढ़ाए
यूज करेक्ट साइज एंड टाइप एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड का जो है करेक्ट साइज और एंगल का यूज करें. कीप द रूट गैप एंड रूट फेस प्रॉपरली. आप रूट फेस और रूट गैप जो है प्रॉपर बनाए. तो आपका इसमें दो चीजें आपका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है. एक है इलेक्ट्रोड एंगल सही होना चाहिए रूट रन में. ये अगर हम लोग अगला कभी भी हमारा डेमो आए तो हम इसको बताने का कोशिश करेंगे. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि कैसे वहां पर इलेक्ट्रोड का एंगल आना चाहिए रूट रन के दौरान. और आपका यहाँ कहा है कि कीप द रूट गैप और कीप द रूट गैप एंड रूट फेस प्रॉपरली. आपका रूट फेस का गैप, रूट फेस और रूट गैप का क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, ये दोनों अगर सही रहे तो एज पर नोमेनक्लेचर आप अगर पालन करें तो ये आपका निवारण हो सकता है. तो आपका ये टॉपिक के ऊपर कुछ सवाल हैं, ये आप देखेंगे. जो टॉपिक हमने बताया उसी से मिलता जुलता कुछ एमसीक्यू सवाल है, इसको देखिए, इसमें से कोशिश करिए इसको हल करने का. और नहीं तो नीमी का किताब को आप फॉलो करिए तो आपको इसका सहायक होंगे. और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं इसको भी आप समाधान करने का कोशिश करें. तो आज के क्लास से अब उम्मीद करते हैं कि आप ये एमसीक्यू और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाधान कर देंगे. और अगर कोई आपको डाउट है तो आप दोबारा इस क्लास को देखें, देखने का ये करें या दोबारा और फिर क्लास अटेंड करें. और तो फिर आपका ये जो वेल्डिंग का जो आपका फॉल्ट्स है इससे आप बाहर आ पाएंगे और बढ़िया से आप एक अच्छा वेल्डर बन पाएंगे और कंपनी का नाम रोशन कर पाएंगे. तो इसके साथ जो है हमारा क्लास जो है